क्या यार, इतने बड़े बड़े बीम मैं अपने हॉल में दूंगा? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या करूं जिससे कि ये बीम घर में दिखे ही ना। एक काम करता हूँ, गुरुजी से पूछता हूँ। गुरुजी, क्या हुआ पांडे जी? अरे गुरुजी, ये बीम का क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा है। अरे कोई टेंशन मत लो, आप लोग भी मत लो। पांडे जी साइड में हो, पूरा समझते हैं। सबसे पहले पांडे जी की परेशानी समझते हैं। पांडे जी की परेशानी ये है कि हॉल में या फिर बेडरूम में कहीं पर भी जहां पर उनको चाह रहे हैं कि बीम ना दिखे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बीम का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। जहां बीम देना है वहां तो बीम देना ही पड़ेगा। बस बीम के तरीके चेंज हो जाते हैं। कई जगह अपन लोग यहाँ पर जैसे बीम दिख रहा है उसके बदले हिडन बीम दे सकते हैं। अब ये हिडन बीम देने से प्रॉफिट क्या होता है? हिडन बीम से प्रॉफिट सबसे पहले ये होता है कि आपकी साइड में हेडरूम आपको बहुत ज़्यादा मिलने लगता है। आपको हेडरूम तो ज़्यादा मिल रहा है, उसके साथ ही साथ आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाता है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ कहीं अपन लोग बात करें, इलेक्ट्रिक वायर डालना है, आपको डक्ट सिस्टम देना है, तो डक्ट सिस्टम पूरा स्लैब में कहीं प्लेन हो या आपकी बीम ना हो तो कितना अच्छा हो जाएगा। डक्ट सिस्टम आसानी से फ्लो हो सकता है। अब ये आसानी से फ्लो करने के लिए अपन लोग ये बीम को हटा के हिडन बीम देना पड़ता है। लेकिन गुरुजी, ये बीम को छुपाएंगे कैसे? अरे पूरी चीज समझते हैं। अब इसके डिजाइन का तरीका समझते हैं कि डिजाइन का तरीका चेंज हो जा रहा है क्या? अपन लोग जैसे नॉर्मल बीम बनाते हैं वैसी डिजाइन नहीं करना क्या इसको? नहीं भाई, दोनों की डिजाइन का तरीका सेम है। बस हिडन बीम का क्या हो जाता है, जितना आपका स्लैब की थिकनेस है उतनी ही थिकनेस की आपको बीम बनानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? जितना स्लैब की थिकनेस उतनी ही बीम की थिकनेस। तो क्या हो जाएगा, वो स्लैब में छुप जाएगा, तो वहीं पर नाम आ जाता है हिडन बीम। अब ये छुप जा रहा है तो उसको अपन लोग कंसील्ड भी बोलते हैं। जैसे आप इंग्लिश मूवी में सुने हो कंसील्ड वेपन, कोई कंसील्ड वेपन रखे हो क्या, उसी तरह से यहाँ पर बात होती है कंसील्ड बीम। वो उतने बीम आपके स्लैब के अंदर ही छुप गई, परंतु उसको यूज़ कहाँ करते हैं ये भी समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को स्टार्टिंग से ही समझ में आ गया होगा कहाँ यूज़ करना है। बोलो, जहाँ पर भी अपन लोग को बीम नहीं दिखाना, इसका यूज़ समझ रहे हैं। तो यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, जहाँ पर भी अपन लोग को सुंदर दिखाना है, हॉल बनाना है, वहाँ यूज़ कर लिए। जहाँ हेडरूम ज़्यादा देना है वहाँ कर दिए। जहाँ पर भी आपकी लेंथ थोड़ी सी कम है परंतु वहाँ पर बीम देना पड़ रहा है, सेकेंडरी बीम देना पड़ रहा था परंतु उसके बदले अपन लोग नॉर्मल बीम दे के छोड़ सकते। इस तरह से अलग अलग सिचुएशन में अपन लोग इसको यूज़ करते हैं। अरे गुरुजी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके कुछ फायदे तो बताओ। अरे इसके बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो अभी तक आप लोग को समझ में आ रहा है कि दिखने में अच्छा दिख रहा है, जगह ज़्यादा मिल रहा है। दूसरा फायदा जो आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या हो जा रहा है कि कॉस्ट जब बच जाएगी। पांडे जी सुन रहे हो ना, सबसे पहले सस्ता होने वाला है ये। अब लेबर की कॉस्ट बढ़ने वाली है, मटेरियल की भी कॉस्ट बच सकती है। और आप लोग को बिल्डिंग के बारे में हर एक चीज डिटेल में सीखना है कि उसका प्रोसेस कैसे होता है, एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, पूरा क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया हिडन बीम का कॉस्ट कम हो जा रहा है, परंतु उसको निकालते कैसे हैं कि उसका कॉस्ट कितना होने वाला है, ये पूरा चीज आप सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, कॉल करो 9111001234 में और जानो क्या चीज आपके लिए बेटर सुटेबल है और क्या चीज आपको सीखने से जॉब या फिर आपकी तरक्की हो सकती है। अब मिलते हैं आपसे कोर्स में। अब बात कर लेते हैं वापस हिडन बीम की। अरे गुरुजी, हाँ तो मैं सब जगह यही वाला हिडन बीम दे दूंगा। हर बार बोलता हूँ, पूरा वीडियो देखो, आप लोग को भी पूरा डिटेल पढ़ो तभी काम बनेगा, जाओ वापस। अब अपन लोग इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। पांडे जी बहुत खुश हो गए, यही चीज हर जगह देने वाले हैं, तो इसकी कुछ कमियां भी है, वो कमियां को जानते हैं। कमियां क्या है, सबसे पहले कहीं भी ये लंबी बीम नहीं दे दिया जाते। लंबी बीम मतलब 5 मीटर 6 मीटर की बीम देना है तो वहाँ पर ये नहीं कर सकता। दूसरा, इसका लोड सहने की कैपेसिटी बहुत कम होती है कंपेयर टू अपनी नॉर्मल ट्रेडिशनल बीम। तीसरी चीज, कभी भी अर्थक्वेक आ रहा है तो वहाँ पर दिक्कत है, सैंडविच इफेक्ट हो जाता है, उसके बारे में आप लोग बाद में समझेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर स्पैनिंग इफेक्ट आ जाता है। जब भी आपकी बीम की लेंथ ज्यादा है और डेप्थ कम है तो वहाँ पर स्पैनिंग इफेक्ट आ जाता है, इसके कारण ये बहुत खतरनाक हो जाता है। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, फिर तो मैं नहीं लगाऊंगा। पांडे जी अभी समझाया ना, पूरा वीडियो देखना है। ये तो होगा इसके डिसएडवांटेज, कुछ वार्निंग का ध्यान रखेंगे तो ये चीजें अपन लोग की आसानी से ओवरकम हो सकती है। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली वार्निंग जहां पर स्लैब की थिकनेस बहुत कम है, एकदम मिनिमम थिकनेस दे रहे हो तो वहां पर अवॉइड करो। जहां पर थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है स्लैब की वहां यूज करना चाहिए। और एक और चीज, ये बीम का रिप्लेसमेंट नहीं है। कहीं पर अपन लोग को बीम देना है और देने में कुछ दिक्कत आ रही तब अपन लोग को यूज करना है। ऐसा नहीं कि जहां जहां पूरी बीम दिख रही है उसको हटा दिए, हिडन बीम दे दिए। अब ये हिडन बीम देते हैं तो क्या हो जाता है, विड्थ बहुत बढ़ जाती है। बीम की डेप्थ के बदले अपन लोग को विड्थ बहुत बढ़ानी पड़ जाती है, लगभग 800 mm, 900 mm, 1000, 1.2 meter, इतने तक की भी बीम हो सकती है। तब यहाँ पर क्या हो जाता है, रीइंफोर्समेंट का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओवरऑल कॉस्टिंग में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता परंतु रीइंफोर्समेंट के परसेंटेज बढ़ जाता है। परंतु इसका एक और फायदा है, डेड लोड कम हो जाता है। और डेड लोड कम होने के कारण जिस कमर्शियल प्रोजेक्ट में कहीं पर ये बहुत ज़्यादा जगह सुटेबल है तो इसका यूज़ करने लगते हैं। साथ ही साथ जहाँ पर भी अपन लोग ओपनिंग देते हैं, कटआउट देते हैं, वहाँ के आसपास अपन लोग को बीम जब देना रहता है तब वहाँ हिडन बीम का भी यूज़ कर सकते हैं।
और इसी कारण ये बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट और बहुत सारी जगह पर यूज हुआ जाता है। होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने मिला और इस तरह से कुछ चीज़ें सीख रहे हैं तो कमेंट करो, आप लोग के लिए हम लोग ढूंढने के लिए तैयार हैं, उस चीज़ों के बारे में आपको बताने के लिए तैयार हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बनिए सिविल गुरुजी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।